फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक चटपटा सा और इजी वाला रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दिया है, ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होते ही इस पर हमें ऐड करना है आधा चम्मच जीरा और हमें ऐड करना है इस पर लहसुन। तो लहसुन की कलियाँ को मैंने क्रश करके डाला है, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। और हमें इस पर डालना है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आपके हिसाब से ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च को 2 पीसेस में कट करके डाला है। और हमें चाहिए प्याज, तो प्याज करीबन मैंने 1 बड़े प्याज को स्लाइस करके डाल दिया है। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देंगे और साथ ही साथ ऐड कर लेंगे करी लीव्स। और इस पर अभी जाएगा टोमेटोस। तो टोमेटो 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो मैंने चॉप करके लिया है, उसे भी डालकर अच्छे से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे इस रेसिपी देखे आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर देना फ्रेंड्स। तो साथ ही साथ हमने इस पर ऐड किया है शिमला मिर्च। तो 2 बड़े साइज़ के शिमला मिर्च को मैंने स्लाइस करके डाल दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर इसे हमें कुक करना है। अभी हमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और हमें ऐड करना है कश्मीरी चिली पाउडर। तो मैंने करीबन 2 चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर ऐड किया है। और हमें ऐड करना है जीरा पाउडर 1 छोटे चम्मच और धनिया पाउडर ऐड करना है 3 छोटे चम्मच। और साथ ही साथ ब्लैक पेपर ऐड करना है, काली मिर्च की पाउडर 1 चम्मच। और इसे अच्छे से मिला देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। जब तक इस मसाला का रोस मिल जाए तब तक हमें इसे इसी तरह मिक्स करते रहना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो अभी मैं इस पर ऐड करने वाली हूँ ब्रिंजाल यानी कि बैंगन। तो बैंगन को मैंने इस तरह सा लंबे स्लाइस में कट करके लिया है और इसे डालकर हमें अच्छे से मिला देंगे ताकि सारे मसाला इस बैंगन में अच्छे से कोट हो जाए। तो बैंगन की सब्जियाँ तो आप ही ने बहुत खाया होगा, तो बहुत ही वेराइटी स्टाइल से आपने खाया होगा, लेकिन मेरे स्टाइल की इस तरह का बैंगन की जो ग्रेवी है आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर पसंद आने वाले हैं। तो बैंगन भरता, बैंगन की अलग अलग वेराइटी सब्जी आपने तो खाई होगी, लेकिन इस तरह का कभी आपने नहीं खाई होगी ना। तो चपाती के साथ, राइस के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही डिलीशियस है। एक बार तो इसे ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आप सबके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलते हैं, तो ज़रूर कमेंट कर देना फ्रेंड्स। तो लाइक भी कर देना, अगर मेरे वीडियो पर कोई नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना फ्रेंड्स। तो अभी ऐड किया है मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून पानी, और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैंगन अच्छे से पक जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और ऊपर से हमें डाल देंगे धनिया पत्ते, कोरिएंडर लीव्स। तो जितना आपके पास 1 मुट्ठी भरकर भी आप डाल सकते हैं धनिया पत्ते को, तो बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। और ऊपर से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ग्रेटेड किया हुआ नारियल, तो इसलिए मैंने बोला ये है जो इस बैंगन का जो एक बढ़िया सा सीक्रेट। तो ये कोरिएंडर के साथ मैंने क्या किया, ग्रेटेड किया हुआ कोकोनट को ऐड किया है और इसे 2 मिनट के लिए ढककर रखना है। उसके बाद हमें इसे खुला रखकर इसी तरह अच्छे से मिक्स कर 2 मिनट इसी तरह खुला रखकर इसे हमें पकाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से बैंगन तो गल चुका है, बहुत ही डिलीशियस था फ्रेंड्स, पूछो ही मत। मेरे घर पे सबको ये पसंद आया, जिसे बैंगन नहीं पसंद है वो भी ये ज़रूर खाने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे आजमा कर देखिए, बना कर देखिए और मुझे कमेंट करके बताना ये रेसिपी को खाकर आपको कैसा लगा। तो और थोड़ा सा मैं ग्रेटेड किया कोकोनट ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और ऐड कर रही हूँ। तो ये बन चुका है, अभी हम इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही डिलीशियस और यम्मी रेसिपी है। तो आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ, राइस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, तो बहुत ही डिलीशियस है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और आप में से कोई मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जरूर शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे और भी मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।